हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल योर मोटिवेशन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और अपना पूरा पूरा ख्याल रख रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मैं अपनी ज्वेलरीज कैसे ऑर्गेनाइज रखती हूँ बिना एक भी पैसे खर्च किए हुए, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ टिप्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है मेरा ज्वेलरी का कलेक्शन। मुझे बहुत ज़्यादा हैवी ज्वेलरीज पसंद नहीं आती हैं, मुझे थोड़ी हल्की ज्वेलरीज ही पसंद आती है जिसे मैं रेगुलर बेस पे भी पहन सकती हूँ। आजकल ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज काफ़ी ट्रेंड में है, तो मैंने भी इसे हाल में ही परचेस किया है। इसके साथ मुझे दो इयररिंग्स भी मिले हैं जो आप इधर साइड में देख रहे हैं वो वाला। और ये सारी मेरी पहले की कुछ ज्वेलरीज वगैरह हैं जिन्हें मैं कभी कभार पहनती हूँ। पर्ल के जो भी आपके पास ज्वेलरीज होते हैं इनका ख्याल हमें बहुत अच्छे से रखना पड़ता है, क्योंकि इसके पॉलिश वगैरह ना निकले, इसकी शाइनिंग भी बरकरार रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक DIY ऑर्गेनाइजर बना के दिखाऊंगी। ये मेरे पास बॉक्स है, ये बॉक्स पैकिंग वगैरह में मिल जाते हैं आपको मार्केट में, या फिर मार्केट में आप ऐसे भी ले सकते हैं या फिर आपको किसी पैकिंग वगैरह में आ सकते हैं। जैसे कि ये मुझे कुछ सामान खरीदने पे ये मुझे मिला था। तो इसके बाद मुझे छोटे छोटे कार्डबोर्ड लेने हैं इसी के साइज़ के, और उसे मैं यहाँ पे कट कर लूँगी। आपको जितने भी पार्ट में डिवाइड करना है उतना आप स्ट्रिप्स काट सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 पीसेस कट किए हैं, 2 लंबे में और 2 चौड़े में, स्क्वायर में मैंने कट किए हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से 2 लंबे पीसेस कट करने हैं और 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल शेप में मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। इसे आप थोड़ा डिब्बे के साइज से थोड़ा कम साइज में काट लें। इसके बाद इस तरीके से रख करके हमें यहाँ पे निशान लगा लेना है, और इस निशान पे हमें एक कट लगा लेना है ताकि एक के अंदर एक में इसे अटैच किया जा सके। इसी तरीके से ऊपर में भी और नीचे वाले में भी हमें निशान लगा के कट कर लेना है और इसे अटैच कर देना है, जिससे कि हमें अलग अलग 6 पार्ट मिल जाएंगे। इसे आप नाइफ के हेल्प से भी कट कर सकते हैं। इस तरीके से इसे कट कर लेना है और फिर इसे इस तरीके से अटैच कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे इसे अटैच कर लिया है और मुझे 9 सेक्शन अलग अलग मिल गए हैं। इस एक बॉक्स में हमें 9 अलग अलग सेक्शन मिल गए हैं जिनमें कि हम अपनी ज्वेलरीज, बैंगल्स वगैरह कुछ भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। आप चाहे तो इस कार्डबोर्ड को कलर भी कर सकते हैं या फिर किसी तरह का इस पे मटेरियल भी चिपका सकते हैं, जैसे कि कोई कपड़ा या फिर कागज़ वगैरह। एक नेक्स्ट जो ये मेरा DIY ऑर्गेनाइज़र है, इसका वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। ये भी एक बहुत ही अच्छा ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं, और ये आपका बहुत ही कम स्पेस लेगा। इसे आप अपने वार्डरोब वगैरह में भी हैंग कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैंने यहाँ पे ये चॉकलेट बॉक्सेस का यूज़ किया है ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज करने के लिए। इसे भी आप चाहें तो स्प्रे पेंट से पेंट कर सकते हैं। एक ये मेरे पास कप सेट का ये बॉक्स था, इसे भी मैं ज्वेलरी ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ करूँगी। ये बॉक्स मुझे काफ़ी अच्छा लगा था क्योंकि इसके अंदर अलग अलग सेक्शन भी बने हुए हैं, साथ ही में नीचे में इसमें फोम लगा हुआ है जिसमें कि आपकी ज्वेलरी वगैरह आराम से आप रख सकते हैं, और इसमें बहुत सारे ज्वेलरीज आपके अरेंज होके एक जगह पर रह जाएंगे। एक ये मेरा ज्वेलरी का ही पैकेट था जिसे कि मैं अभी भी यूज़ कर रही हूँ। ये काफ़ी पुराना है, इसे आप ट्रैवलिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। ये है मेरा एक पुराना चूड़ी बॉक्स जिसे मैं अभी तक यूज़ कर रही हूँ। ये मेरी शादी के ही टाइम का है और ये काफ़ी अच्छा है। बस इसे ऐसे निकालिए और अपनी चूड़ी वगैरह इसमें अरेंज करके रख दीजिए। इसके नीचे मैंने लाइनर लगा के रखा है जिससे कि ये गंदा हो तो उसे क्लीन करना आसान रहे। और एक ये मेरा वॉच का बॉक्स है जिसे मैं अपने वॉच को ही अरेंज करने के लिए रखती हूँ।
इसमें तीन अलग अलग स्लॉट बने हुए थे, तो मैं एक तो इसी वॉच का ही बॉक्स है ये, और दो मैंने अलग से इसमें रख दिया है। और भी वॉच रहेंगे तो उसे भी आप एक के ऊपर एक करके रख सकते हैं। ये जो बॉक्स होता है ये काफ़ी मजबूत होता है और ये काफ़ी दिन तक आपका चल जाता है, जल्दी ये ख़राब नहीं होता है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे एक लंच बॉक्स का बैग था, इसे भी मैं एज अ ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये लंच बॉक्स काफ़ी पुराना हो गया था और अभी यूज़ नहीं होता है, तो मैं इसे एज अ ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र, इसमें मैंने नई नई चूड़ियाँ अपनी रखी हैं, और ये पैडेड होता है तो इसे ये कहीं से गिरेगा भी तो ये टूटेगा नहीं। इसमें आप अपनी ज्वेलरी भी रख सकते हैं। वेलवेट वाला जो कपड़ा आता है उसे लगाकर एक के ऊपर एक करके आप बहुत सारी ज्वेलरी इसमें अरेंज करके रख सकते हैं। एक और ये जो बॉक्स है इसमें मैंने ज्वेलरी कहीं जो स्पंज रहता है उसे मैंने रखा है और उसके ऊपर से एक पेपर लगाया हुआ है। और अब मैं अपनी ये सारे मेरे ऑर्गेनाइज़र थे, DIY ऑर्गेनाइज़र, ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र, अब मैं इसमें अपने ज्वेलरीज को कैसे ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैं अपनी जो थोड़ी अच्छे वाली ज्वेलरीज हैं जिन्हें की स्पेशल केयर की ज़रूरत है उसे मैं इसमें रख रही हूँ, और ऊपर से मैं इसे इसी पेपर से कवर कर दूँगी। दो तीन ज्वेलरीज को मैं एक साथ रख रही हूँ इसमें, क्योंकि ये हिले डुलेगा नहीं, जहाँ आप रखेंगे वहीं फिक्स रहेगा, इसीलिए मैं दो तीन ज्वेलरी इसमें रख सकती हूँ। जो भी थोड़ी हैवी ज्वेलरीज थे जिन्हें मैं साड़ियों के साथ ही पेयर करती हूँ तो उसे मैं यहाँ पे रख रही हूँ विद द इयररिंग्स। हमें अपनी ज्वेलरीज को स्वेटिंग से और पानी वगैरह से बचा के रखना चाहिए, जिससे कि वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं। और जब भी आप पार्टी वगैरह से वापस आए, एक बास्केट, जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में बताया हुआ है, हर जगह आप अपना एक बास्केट रखिए, जैसे कि वार्डरोब में और अपने ड्रेसिंग टेबल में। तो इससे क्या होगा, एक फ्री बास्केट रहने से आप कहीं भी पार्टी वगैरह से वापस आते हैं तो आप ऑलरेडी थके हुए होते हैं, तो आप क्या करेंगे कि उसी बास्केट में अपनी ज्वेलरी वगैरह रख देंगे और नेक्स्ट डे आप उसे उसकी स्पेशल जगह उसकी जगहों पे वापस से रख सकते हैं। तो ये जो पाउच है इसमें मैं इसी की ज्वेलरी इसमें लगा के रखूंगी। आप चाहें तो इसे ट्रैवलिंग वगैरह पे भी यूज़ कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा पैकेट मुझे मिल गया था। ज्वेलरी के साथ बहुत ही अच्छे अच्छे पैकेजिंग भी मिल जाते हैं, जिन्हें कि आप संभाल कर रख सकते हैं और उसका अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये कोई हैवी बॉक्स नहीं है, बिल्कुल भी फ्लैट है, इसे आप अपने पर्स में भी कैरी कर सकते हैं। उसके बाद ये चॉकलेट का जो बॉक्स था मेरे पास, मैंने इसके नीचे भी एक लाइनर लगाया हुआ है पेपर का, और उसके बाद मैं इसमें ज्वेलरी वगैरह अरेंज करके रख दूंगी। इसी तरीके से इस कप वाले बॉक्स में भी मैंने बहुत सारी ज्वेलरी रखी हुई है, जैसे कि जूड़ा पेन, साड़ी पेन एक्सेट्रा, और कुछ इयररिंग्स वगैरह और बैंगल्स वगैरह भी मैंने इसमें रख दिया है। आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ बैंगल्स भी इसमें रख सकते हैं। छोटे छोटे जो डिब्बे होते हैं इस तरीके के ज्वेलरी के, इन्हें भी आप एज इट इज ही रखें। इससे जो इयररिंग वगैरह होते हैं आपस में फंसते नहीं हैं और अलग अलग ही रहते हैं। इसे मैं अपने वार्डरोब में हैंग करके रखती हूँ, तो इसीलिए मैं इसमें रेगुलर यूज़ होने वाली ज्वेलरी रखती हूँ, जिन्हें कि मैं रेगुलर बेसिस पे पहन सकती हूँ। मैं इसकी ज़्यादा हैवी पार्टी वेयर टाइप नहीं रखती हूँ, रेगुलर इधर उधर जाने वाले ही ज्वेलरी वगैरह मैं रखती हूँ इसमें। इस टाइप की ज्वेलरी और बैंगल्स आजकल बहुत ही ट्रेंड में है, अच्छा लगता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप परचेस कर सकते हैं। ये जो DIY ऑर्गेनाइज़र मैंने बनाया था ये मुझे काफ़ी पसंद आता है, क्योंकि एक ट्रांसपेरेंट है
और एक सिल्क टाइप का कपड़ा मैंने इस पे लगाया है जो कि ज्वेलरी से काफ़ी मैच करता है। और ये छोटे छोटे इयररिंग्स वगैरह पैकेट में करके ही मैंने रखे हुए हैं। जब मैं निकालती हूँ मैं पैकेट को इसी में रख देती हूँ, और जब मैं वापस रखती हूँ तो पैकेट निकाल के फिर से पैकेट में डाल के मैं इसे रख देती हूँ। ये वाला ऑर्गेनाइज़र आपका काफ़ी जगह और सेव करता है। इसे आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपने चैनल पे इस तरीके के बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका एक लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है न्यू वीडियोस बनाने के लिए, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो ये सारे मेरे DIY ऑर्गेनाइज़र्स थे ज़ीरो कॉस्ट, और इस वाले जो मैंने बनाया था इसमें मैं बैंगल्स वगैरह रख रही हूँ अलग अलग। बैंगल्स रखने के लिए मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो मैं इसमें अपने सारे बैंगल्स ही रख रही हूँ। तो आप भी ये सब आइडियाज़ ट्राई कर सकते हैं अपनी ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज रखने के लिए। आगे की वीडियोस में मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों के साथ और भी अच्छे अच्छे DIY ऑर्गेनाइज़र और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वीडियोस लेकर के आ सकूं। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको, प्लीज़ मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और सबसे अच्छा ऑर्गेनाइज़र आपको कौन सा लगा ये भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।